माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे राज्य के वैशाली से ही लोकतंत्र बाकी जगहों पर प्रसारित हुआ, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो, जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके, पूरे देश के जनप्रतिनिधियों, युवाओं और संबंधित कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे। हमें विश्वास मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय बिहार, जय हिंद।